हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल के करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को और साथ में कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर और यहीं पर पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। मणिपुर में विष्णुपुर जिले में इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर में 165 फीट एक ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। अब इसको मणिपुर में फहराया जाएगा, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो अभी संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक इस ऐप को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में कई अलग अलग राज्यों से लोग काम करने के लिए जाते हैं और इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, जो कि भारत का पहला है। आप इसको यहाँ इमेज में भी समझ सकते हैं कि यह ऐप किस तरह से काम करेगा। अब इस ऐप को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो लेटेस्ट के करंट अफेयर है उनको देख लेते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ अभी भारतीय सेना ने सुरक्षा 2 नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया है। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना को शुरू किया। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बना है मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर अभी मुंबई में शुरू किया गया। तो ये कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर थे महाराष्ट्र के। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल जीएस कैरियर एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश के भारतवंशी प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, भारतवंशी हैं प्रवीण कुमार जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और अभी ये भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, जिनको आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। ये हैं प्रवीण कुमार जगन्नाथ और यही अभी भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अब ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वी राज सिंह रूपन, जो कि एक भारतवंशी ही हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री तो प्रवीण कुमार जगन्नाथ हैं और मॉरिशस की मुद्रा है रूपी। आप यहां मॉरिशस को मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला कौन सा इंटरनेट रेडियो चैनल शुरू हुआ है। तो अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो अक्ष नाम से एक इंटरनेट रेडियो चैनल शुरू किया गया है। रेडियो अक्ष नाम का यह इंटरनेट रेडियो चैनल को नागपुर शहर में लॉन्च किया गया है और ये किसके लिए है? तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, यानी जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए इस रेडियो अक्ष नाम से इस रेडियो इंटरनेट चैनल को शुरू किया गया है। अब जो भारत में पहली बार शुरू हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी जरूरी है। भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर किस राज्य में बनेगा? तो इसको राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर होगा।
डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। देश का पहला चिकित्सा शहर जिसको इंद्रायणी मेडिसिटी बोला गया है ये कहाँ बनाया जाएगा, तो इसको महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जाएगा। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है हरियाणा के मानेसर में। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई है, अभी इसको गुजरात हाईकोर्ट में लगाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो अभी सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग को सिंकुला दर्रा में बनाया जाएगा। इस सुरंग को अगले 3 सालों के अंदर काम करके पूरा किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये सुरंग बनाई जाएगी ये 16,850 फीट की ऊंचाई पर होगी और जो कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग भी होगी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने में सहूलियत प्रदान करेगी। और कहाँ बनाई जाएगी इस सुरंग को, सिंकुला दर्रा में। अगला करंट अफेयर देखने से पहले आज की नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज की नॉलेज फैक्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में जारी रिपोर्ट और सूचकांक। तो अभी नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी हुआ है और इसमें प्रथम स्थान मिला है गुजरात को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के कौन से संस्थान शामिल हुए हैं, तो इसमें 2 संस्थान भारत के शामिल हैं, IIT मुंबई और IIT दिल्ली। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं और ये अभी सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। इसी तरह सबसे अधिक फल उत्पादक राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश। UNEP रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका UNEP रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने भारत पर कृषि आयात को निलंबित किया है, तो अभी इंडोनेशिया देश के द्वारा भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया देश ने अब भारत से कृषि के आयात को आने वाले समय के लिए निलंबित कर दिया है। इसी तरह हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि भारत से अब कृषि आयात को शुरू किया है इजिप्ट देश ने। 2022 में इजिप्ट के द्वारा ये घोषणा की गई है, वह भारत से गेहूं का आयात करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा, तो अभी नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है, अब नीति आयोग इसको लॉन्च करेगा। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो भारत में 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, राजीव कुमार, और CEO कौन है, अमिताभ कांत। और नीति आयोग के द्वारा ही राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश के तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, तो अभी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है हामिस बेनेट और इन्होंने ही अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है, अभी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं टिम साउदी और इनको न्यूजीलैंड क्रिकेट का सर्वोच्च सम्मान मिला है और उस सम्मान का नाम है रिचर्ड हेडली मेडल। तो ये भी आपको आने वाले एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के किस राज्य में करगा उत्सव का आयोजन हुआ है, तो करगा उत्सव का आयोजन अभी कर्नाटक राज्य में किया गया है। यह उत्सव 12 दिनों तक मनाया जाता है और इसको सबसे ज्यादा कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में। करगा उत्सव की उत्पत्ति महाकाव्य में महाभारत में हुई थी। यह उत्सव द्रौपदी को देवी शक्ति और आदर्श नारीत्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास यानी NCX इंडिया का उद्घाटन किसने किया है, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है
जिनका नाम है अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल ने ही राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का अभी उद्घाटन किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब डेली स्टैटिक जीके के डोज में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। टाइटल याद रखिएगा, मेरी 51 कविताएं। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बाल श्रम का निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 24 में। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? नीला। सबसे पुराना वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? वीणा को। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में, यानी वैक्यूम में। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? गोवा में। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसके द्वारा रचित है? काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कोणार्क सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किस बैंक का टैग लाइन है? SBI का। काकती वंश के राजा किस प्रांत के शासक थे? तो काकती वंश के राजा आंध्र प्रदेश के शासक थे। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको ग्राहम ने किया था। अब कल के करंट अफेयर को जल्दी से रिवाइज करते हैं। अभी कल हमने डिस्कस किया था कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया। किस जल विद्युत उत्पादक कंपनी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना को विकसित किया जाएगा? NHPC के द्वारा। अभी इंडसइंड बैंक का एक ऐप है और इसको मिला है डिजिटल CX अवार्ड 2022। विश्व धरोहर दिवस अभी 18 अप्रैल को मनाया गया है। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं विमल कोठारी। अभी प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक उड़िया गायक थे और इनका अभी निधन हो गया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में बनाया जाएगा, जो कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होगा। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? चीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कितने स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का उद्घाटन किया है? तो अभी 1,00,000 ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। अब कल के करंट अफेयर में हमने दो क्विज आपसे पूछे थे। पहला क्विज था आपके लिए, मौर्य सिंहासन पर चढ़ने से पहले अशोक निम्नलिखित में से किसका वायसराय था? तो मौर्य सिंहासन पर चढ़ने से पहले अशोक तक्षशिला का वायसराय था। एक क्विज और था आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने प्रियदर्शिका की रचना की है? तो प्रियदर्शिका की रचना की है हर्षवर्धन ने। इन दोनों क्विज के आंसर आप में से बहुत से लोगों ने सही दिए हैं। अब आज की करंट अफेयर की क्लास में दो क्विज आपके लिए है। आजाद हिंद फौज की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? भारत, सिंगापुर, जापान या जर्मनी। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी। साथ में एक क्वेश्चन और है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931 या 7 मार्च या 8 मार्च 1931। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह आज की क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की आप नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।